अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ पीमा आलू मटर की रेसिपी, जो कि बहुत आसान है बनाने में और बहुत टेस्टी बनती है। तो आइए देख लेते हैं हमें पीमा आलू मटर बनाने के लिए क्या क्या चाहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल के बटन को ज़रूर दबाइएगा, तभी मेरी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुँचेगा। इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पर हाफ के जी मटन का कीमा लिया है, जिसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है और इसको ड्रेन करके रख लिया है। दो मीडियम साइज़ की प्याज को मैंने बारीक काट के रखा है और तीन मीडियम साइज़ के टमाटर हैं, इनको भी मैंने स्लाइसेस में कट कर लिया है, जिससे कि ये आसानी से गलते हैं। और एक कप मैंने मटर लिया है, जो कि आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। और दो मीडियम साइज़ के आलूओं को मैंने क्यूब्स में काट के रखा हुआ है। एक टेबल स्पून मैंने अदरक और लहसुन का पेस्ट लिया है और एक टीस्पून मैंने यहाँ पर कसूरी मेथी ली है। ये ऑप्शनल है, लेकिन इसको डालने से कीमे का टेस्ट बढ़ जाता है। एक टीस्पून मैंने सफ़ेद ज़ीरा लिया है। आधे नींबू का रस इसमें इस्तेमाल करेंगे, लेकिन अगर आप कम खट्टा पसंद करते हैं तो आप नींबू का रस ना डालें। हरा धनिया लेंगे थोड़ा सा, 3 से 4 हरी मिर्चों को मैंने कट करके रखा हुआ है। और यहाँ पर लिए हुए हैं कुछ पाउडर्ड मसाले, इसमें 1 टीस्पून धनिया का पाउडर है, 1.5 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर है, 1/3 टीस्पून हल्दी पाउडर है और 2 टीस्पून कुटा हुआ साबुत धनिया है। इसको डालने से भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है कीमे में। और 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर है और 1 टीस्पून भुने हुए जीरे का पाउडर है। यहाँ पर नमक और मिर्च की जो क्वांटिटी है वो अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं। और 1/3 कप के करीब हमें तेल का इस्तेमाल करना है। सबसे पहले हमें एक प्रेशर कुकर में तेल को गर्म कर लेना है और जब तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा हम इसमें डाल देंगे ज़ीरा और इसको हल्का सा क्रैकल होने देंगे, जिससे कि इसका फ्लेवर तेल में रिलीज़ हो जाएगा। और अब हमें डाल देनी है इसमें प्याज और मीडियम टू हाई फ्लेम पर हमें प्याज को हल्का सा गुलाबी होने तक फ्राई कर लेना है। यहाँ पर मैंने प्याज को गुलाबी होने तक फ्राई कर लिया है। अब हमें इसमें कीमा ऐड कर देना है और हाई फ्लेम पर हम कीमे को फ्राई करेंगे 3 से 4 मिनट के लिए। हमें इसको जब तक फ्राई कर लेना है जब तक कि जो कीमा अपना पानी छोड़ता है वो पानी ड्राई नहीं हो जाता है। तो ये देखिए, आप देखेंगे कुछ ही देर में जो कीमा है वो काफ़ी पानी रिलीज़ कर देगा। आप इस पानी को हाई फ्लेम पर ज़रूर से ड्राई कर लीजिएगा, उसके बाद ही इसके अंदर पाउडर्ड मसाले वगैरह डालिएगा। अगर आप पहले से मसाले डाल देंगे तो फिर कीमे में एक तरह की स्मेल रह जाती है, जो कि आप जितना भी भून लें जाती नहीं है। आप देखेंगे कुछ ही देर में जो कीमे का पानी है वो ड्राई हो जाएगा। जब पानी ड्राई हो जाएगा तब हम इसके अंदर अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल देंगे और जितने भी हमने पाउडर्ड मसाले लिए हुए हैं वो भी हमें इसमें डाल देने हैं। अब थोड़ा सा हम इसमें पानी डाल देंगे और इसको अब हमें भून लेना है। तो हम 5 से 6 मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पर इसको अच्छे से भूनेंगे, जब तक कि अदरक लहसुन की स्मेल और मसालों की स्मेल ख़त्म नहीं हो जाती है। तो यहाँ पर मैंने कीमे को खूब अच्छे से भून लिया है। अब हमें इसमें ऐड कर देने हैं टमाटर। टमाटर को स्लाइसेस में कट कर लीजिएगा, जिससे कि आसानी से गल जाते हैं। और इसी के साथ हम इसमें कसूरी मेथी भी डाल देंगे। अब हमें इसको फिर से भून लेना है जब तक हमारे टमाटर सॉफ्ट नहीं हो जाते हैं। तो आप चाहें तो इसको थोड़ी देर ढक दें, जिससे कि टमाटर सॉफ्ट हो जाएंगे, और फिर उसके बाद इसको भून लीजिएगा अच्छे से। तो यहाँ पर मैंने कीमे को बहुत अच्छे से भून लिया है टमाटरों के साथ और आप देख सकते हैं टमाटर जो है एकदम इसमें डिजॉल्व हो गए, बिल्कुल घुल गए और हमारा कीमा जो है खूब अच्छे से भून चुका है। अब हमें इसमें आलू ऐड कर देने हैं और इसी के साथ मटर भी ऐड कर देनी है, क्योंकि ये मटन का कीमा है और ये बहुत जल्दी गल जाता है, इसीलिए हम आलू और मटर के साथ ही इसको गला लेंगे। और अब हमें इसमें 1 कप के करीब पानी ऐड करना है, यानी कि 250 ml के करीब। ये कीमा जो है थोड़ा सा ग्रेवी के साथ अच्छा लगता है, लेकिन अगर आप ड्राई पसंद करते हैं तो थोड़ा पानी कम डालिएगा। अब हमें इसमें प्रेशर लगा देना है, तो मैं इसकी लिड लगा देती हूँ। जब इसमें हाई फ्लेम पर 1 प्रेशर आ जाएगा तो गैस की फ्लेम को लो करके लो फ्लेम पर बस 2 मिनट के लिए इसको पकाएंगे, फिर गैस को बंद कर देंगे। इसके प्रेशर को हम नेचुरली रिलीज कर लेंगे और आप देख सकते हैं हमारा कीमा आलू मटर बनकर तैयार है और इसकी कंसिस्टेंसी भी एकदम परफेक्ट है। लेकिन अगर आप ड्राई पसंद करते हैं तो मैंने आपको पहले ही बताया कि आप पानी कम डालिएगा। अब हम इसमें हरा धनिया और हरी मिर्चें डाल देंगे और साथ में जो हमने नींबू लिया था वो भी इसमें निचोड़ देंगे, अच्छे से मिला देंगे और इसको सर्व कर लेंगे। और ये लीजिए, हमारा कीमा आलू मटर बनकर तैयार है, जो कि बहुत ही टेस्टी बना है। और आपने देखा इसको बनाना भी कितना आसान था। तो ज़रूर से आप इस रेसिपी को ट्राई करिएगा। रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा, इसको शेयर कर लीजिएगा और मेरे चैनल को 1 टाइम सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।